देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। सीहोर के बुधनी से एक मामला सामने आया है, जहां भूत प्रेत का झांसा देकर तांत्रिक जीजा ने अपनी ही साली के साथ दुष्कर्म किया। फरियादी साली ने बताया कि वह अगस्त 2022 में अपनी मौसी की बहन अंजलि नाहर के साथ बुधनी आई थी। तब से वह बुधनी में अंजलि नाहर के ही घर पर रह रही थी और अंजलि का पति कुलदीप नाहर भी साथ रहता था, जो रिश्ते में उसका जीजा लगता है। बुधनी आने के करीब 15 दिन बाद फरियादिया की तबीयत खराब हो गई थी और उसे बार बार चक्कर आने लगे थे। उसके बाद जीजा कुलदीप नाहर, जो झाड़ फूंक भी करता है, वो फरियादिया को तालपुरा की दरगाह पर ले गया और बोला कि उसके अंदर भूत प्रेत का वास हो गया है और उसे अपने ही जीजा के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। उस पीड़िता के साथ आरोपी ने जबरदस्ती मुंह दबाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लगातार भूत प्रेत और जिन का डर बनाकर और जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की मां के आने पर पीड़िता ने अपनी मां को सारा मामला बताया और उसके बाद में थाने पर आकर पीड़िता ने यह मामला दर्ज करवाया है। सीहोर से पवन माहेश्वरी की सत्यमेव न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट। अंधविश्वास की घटना घटी है और मेरे साथ ये खुद मेरे जिया जी कुलदीप नाहर ने किया है। मुझे बताया गया कि मेरे शरीर में भूत पलित का वास है, मैं भूत पलितों से घूम रही हूँ और मेरे साथ मेरे घर वाले भी इस समस्या से पीड़ित हैं। इसको दूर करने के लिए मुझे उनके साथ संबंध बनाने का बोला था। उन्हें संबंध बनाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा मुंह दबाया, मुझे किचन में लेके गए, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, वो गंदी हरकतें की जिसको बताने मुझे शर्म आ रही, और कहा कि इस पीड़ित से मैं पूरे परिवार को छुड़ाऊँगा, पूरे परिवार को बचाऊँगा। मेरे साथ ये घटना पूरे 7-8 महीने हो जा रहे हैं। मेरे ऊपर तो हुआ, लेकिन मेरे साथ मेरी दोनों बहनों के ऊपर भी करने को कर रहा था वो। फिर तुम तेरे साथ तो किया, मेरे को तेरे अब बहन चाहिए, तेरी छोटी बहन चाहिए, मैं तेरी छोटी बहन के ऊपर सोऊंगा, मैं तेरी छोटी बहन को दबोचूंगा। सर, बुधनी में एक बलात्कार का मामला है, क्या मामला है सर पूरा? भोपाल निवासी एक युवती है, 20 वर्षीय युवती, कल दिनांक 26 मई 2023 को थाना बुधनी आई थी। इसके द्वारा बताया गया कि ये जुलाई 2022 में बुधनी अपनी मौसी की लड़की के यहाँ, मौसी की लड़की अंजलि नाहर के आई थी। उसका पति है कुलदीप नाहर, जो कि लड़की का जीजा लगता है और झाड़ा फूंक भी करता है। बुधनी में रहने के 15 दिन बाद उसको तबीयत बिगड़ने लगी लड़की की, तो ये जीजा जो है वो उसे दरगाह पे लेकर गया था, तालपुरा की दरगाह पे लेकर गया था। तो वहाँ पर उसके द्वारा उसे बताया गया कि उसे भूत प्रेत उसके अंदर आ गए हैं और भूत प्रेत निकालना है, तो उससे उसके साथ संबंध बनाने होंगे, शारीरिक संबंध बनाने होंगे। ये बोल के उसी रात में उसके साथ में बलात्कार किया और इसके बाद से अनेकों बार भूत प्रेत का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया, ऐसा लड़की ने बताया। उक्त रिपोर्ट पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, तो पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, पीड़िता के बयान दर्ज किए गए महिला अधिकारी के द्वारा, और जो आरोपी कुलदीप नाहर उसको भी अपेक्षा में लिया गया है। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।